ये खबर बैतूल से, जहां 12 दिन से लापता बुजुर्ग के नाराज परिजन ने आज थाने का घेराव करके चक्का जाम कर दिया। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। आरोप है कि परिजन ने भैंसदेही थाने में बुजुर्ग की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इसके बाद परिजन लगातार पुलिस थाने आकर जानकारी मांगते रहे, लेकिन पुलिस मामले की जांच का हवाला ही दे रही है। माना जा रहा है कि पीड़ित शख्स सूदखोर से प्रताड़ित था, जिसके बाद पुलिस अब नए एंगल से जांच कर रही है। सर वो दिन मंगलवार 19 तारीख से लापता है और मैंने 25 तारीख को रिपोर्ट करवाई थी। और सर मैं रोज आ रहा था थाने में, आश्वासन देते रहते आज कर देंगे कल कर देंगे, ऐसे ही कर रहे थे सर। सर आज तो TI साहब यहाँ नहीं है, कल आएंगे, कल उनकी साइन होंगी, फिर वहाँ लेटर जाएंगे SP ऑफिस में, ऐसे कह रहे थे। ये ग्राम बरापुर के एक श्रीराम है जो 19 तारीख से अपनी पत्नी को बोलकर गए थे कि मैं अपनी जहाँ उनके जानवर बंधे हैं वहाँ उनको देख कर आ रहा हूँ। गोर की ढाल है, यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ का वो बोल कर गए थे। और 25 तारीख को 6-7 दिन बाद उनके द्वारा रिपोर्ट थाने में लिखवाई गई है। थाने पर नियमानुसार गुम इंसान कायम किया गया है 56/22, इसकी जाँच की जा रही है। इनके घर वालों ने भी कुछ तथ्य पुलिस को नहीं बताए थे। अभी पूछताछ पे जानकारी प्राप्त हुई है कि उनका लेन देन का प्रकरण था, उन्होंने किसी से उधार लेन देन किया हुआ था, उस संबंध में जहाँ पूछताछ चल रही है